May I come in, sir? Yes, please. Deepak Kumar. Yes, sir. Good afternoon. Please be seated. Thank you, sir. Hindi medium? Yes. Okay. Deepak Kumar, अपने बारे में बताइए. सर, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैंने अपना स्नातक मगध यूनिवर्सिटी से किया है. मुझे क्रिकेट खेलना और भोजपुरी फोक म्यूजिक पसंद है और मैं अपने यूपीएससी के दूसरे प्रयास में इंटरव्यू तक पहुंचा हूं सर. अच्छा, आपने ये ग्रेजुएशन कब किया है? सर, 2016 में. और सिंस देन व्हाट आर यू डूइंग? सर, मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं. पहले प्रिपरेशन के लिए लगे हैं? यस सर. ओके, तो सरकार बोलती है फार्मर के इनकम को डबल करेंगे, ठीक है, इन ए सर्टेन टाइम फ्रेम. तो डू यू थिंक ये रियलिस्टिक टारगेट है? जी सर, ऐसा हो सकता है. व्हाई यू थिंक लाइक दैट? सर, जो वर्तमान सरकार की नीतियां हैं उसके अनुसार अगर कार्य किया जाए तो किसानों की दुगनी. जैसे कैन यू वेरी क्विकली लिस्ट आउट क्या सरकार ऐसा कर रही है जिसके बेसिस पे आप कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है? सर, MSP बढ़ाया जा रहा है. इसके अतिरिक्त जो MSP कितना किया गया? सर, 1.5 गुना किया गया सर. तो फार्मर्स फिर भी डिससैटिस्फाइड है अबाउट MSP, आर यू अवेयर? यस सर. व्हाट इज द इशू? सर, फार्मर का ये कहना है कि अगर MSP उनके मतलब जो खरीद जो लागत है, जो उत्पादन में लागत लगती है, उसके अनुरूप सर MSP नहीं निर्धारित किया जाता. तो 150% किया गया ना? यस. तो फिर कैसे उनकी बात पूरी नहीं हुई? सर, ये जो छोटे किसान हैं, जो लघु किसान हैं, जिनके खेतों का जोत का आकार कम है, ये उनके लिए जैसे कि एक बेनिफिशियल नहीं है सर. जो बड़े किसान हैं उनके लिए MSP बेनिफिशियल होता है. क्यों? सर, उनका उत्पादन इतना नहीं हो पाता कि वो मार्केट में अपने सामान को या अपने जो फसल है उसको मार्केट में मतलब विपणन कर सके सर. नहीं, बट फार्मर्स ये कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट इन लाइन विद व्हाट स्वामीनाथन कमेटी हैड रिकमेंडेड. सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी मालूम नहीं है. नहीं सर. ओके, प्लीज. दीपक, अपने यहाँ जो एजुकेशन की क्वालिटी है बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, क्या रीजंस हैं? सर, सबसे बड़ा रीजन तो यह है कि जो सरकारी विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनकी जवाबदेहिता तय नहीं हो पा रही है सर. जवाबदेहिता कैसे, मतलब किस संदर्भ में आप बात कर रहे हैं जवाबदेहिता की? सर, जैसे वो क्लास में आते हैं, वो जवाब दे नहीं इस प्रति कि वो पढ़ा क्या रहे हैं या छात्रों का प्रगति कैसे हो रहा है, शिक्षण के क्षेत्र में वो अच्छे से कार्य कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, सरकारी स्कूल से रिजल्ट्स उतने ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं, लड़कों का ड्रॉप आउट है, तो उनकी एक जवाबदेहिता तय नहीं हो पा रही है. कोई पूछने वाले जिले से मानते हैं कि आप कलेक्टर बन गए, आप अपने ज़िले में एजुकेशन की गुणवत्ता को कैसे बनाएंगे, कैसे बढ़ाएंगे? सर, एक मेरा पर्सनल मॉडल है कि अगर शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता को सुधारनी है तो जो शिक्षक हैं उनकी जवाबदेहिता तय होनी चाहिए. इसके लिए सर 2-3 उपाय सुझाए जा सकते हैं. टीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग दी जा सकती है. सर, अगर जो टीचर ट्रेनिंग में पास आउट कर रहे हैं उनके वेतन को एक समान रखा जा सकता है, लेकिन जो फेल आउट होते हैं उनके वेतन में कुछ कटौती की जा सकती है ताकि वे वेतन के में कटौती के डर से भी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जो लड़के हैं सरकारी विद्यालय में उनके ड्रॉपआउट्स को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है. लेकिन क्या किसी के वेतन में आप कटौती कर सकते हैं? सर, ये कलेक्टर का या जो जिले का जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर होता है वो कटौती कर सकता है क्या? सर, कटौती करने का अधिकार जिले के अधिकारी को नहीं है, लेकिन एक प्रतियोगी माहौल बनाने के लिए शिक्षा. नहीं, जब आप कर ही नहीं सकते तो कैसे करेंगे? सर, इसके लिए हो सकता है ऊपर के जो मेरे अधिकारी हैं उनसे मैं सिफारिश करूं कि एक बार ये मॉडल लागू करके देखिए, हो सकता है इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स. जो अभी दिल्ली ने जो एजुकेशन के मामले में किया है तो क्या उससे आपको लगता है कि क्वालिटी इम्प्रूव हुई है दिल्ली में? सर, जहाँ तक विभिन्न रिपोर्ट्स आए हैं या दिल्ली की आम जनता के बीच में देखा गया है तो इसके रिपोर्ट सर पॉजिटिव ही हैं. ड्रॉपआउट्स कम हुए हैं, बच्चों तक शिक्षा की पहुंच ज़्यादा जा रही है. शिक्षक कम होने के बावजूद भी एक अच्छा पैटर्न दिल्ली सरकार ने लागू किया शिक्षा को लेकर. और अभी जो मीडियम को लेकर बहुत प्रॉब्लम हो रही, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, अब गांव में भी कोई भी बच्चा अपने को मतलब माता पिता अपने बच्चे को इंग्लिश हिंदी मीडियम में नहीं डालना चाह रहे हैं, गरीब से गरीब परिवार भी अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डालना चाह रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकार को इंग्लिश मीडियम ही कंपलसरी कर देना चाहिए, हिंदी माध्यम को बंद कर देना चाहिए? सर, विषय के चयन का अधिकार सभी को है, माँ बाप को है, स्वयं छात्र को है. अगर छात्र छोटा है तो माँ बाप एक जिम्मेदारी उठाते हुए उसके
मतलब विषय का चयन कर सकते हैं, वो किस माध्यम में पढ़ाई करे। लेकिन सर अगर केवल इंग्लिश मीडियम ही लागू कर दिया जाएगा तो एक जो हिंदी का कॉन्सेप्ट है या अन्य रीजनल लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है वो सर धीरे धीरे सर समाप्त हो सकता है। तो इसलिए मेरे विचार में चयन की एक प्राथमिकता होनी चाहिए कि जो जिस भाषा में पढ़ना चाहिए, जिस माध्यम में पढ़ना चाहिए, उसे उस माध्यम में पढ़ाई करनी चाहिए। चयन की प्राथमिकता तो समझ में आती है, लेकिन जो रोज़गार, क्योंकि शिक्षा के साथ रोज़गार जुड़ा हुआ है, अगर आप हिंदी माध्यम से करते हैं तो आपको रोज़गार प्राप्त करने में आने वाले समय में बहुत तकलीफ़ें होती हैं। तो आपको नहीं लगता कि सरकार को इसमें सोचना चाहिए, रोज़गार परक शिक्षा देनी चाहिए या रोज़गार को ध्यान में रखते हुए माध्यम का निश्चयन करना चाहिए? सर एक ये बात हो सकती है कि क्लास 6 से या 7 से ही एक अलग से कौशल विकास कार्यक्रम एक दिन के लिए रिजर्व रख दिया जाए, इनोवेशन के लिए एक दिन रिजर्व रख दिया जाए, जैसा कि आंध्र प्रदेश में सरकार ने किया है कि शनिवार के दिन बच्चों को नो बैग डे घोषित किया है। तो एक इनोवेटिव आइडिया ये हो सकता है कि लड़कों में ज़्यादा से ज़्यादा कौशल विकास हो, इससे वो रोजगार परक शिक्षा भी प्राप्त कर सकें, एक ही हो सकता है सर। चलिए आपकी हॉबी है कुकिंग, क्या बनाते हैं आप? सर नॉर्मल डिशेज। नॉर्मल डिशेज में क्या है? सर जो बिहार का स्पेशल है, लिट्टी चोखा, चावल दाल, पनीर और यही सर इसी। सर तो कुकिंग आजकल जो है बच्चों को अगर आप देखें तो माल न्यूट्रिशन बहुत है, तो बिहार में भी उड़ीसा में भी जो पिछड़े हुए स्टेट हैं वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों में माल न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी है। तो कुकिंग जैसे आपको मालूम है, अगर आप मान लीजिए जो मिड डे मील दिया जाता है, अगर आपको उसमें न्यूट्रिशन डिसाइड करना हो बच्चों के लिए, तो कैसे डिसाइड करेंगे आप? सर अगर बच्चों की संख्या मान लीजिए 100 है, 100 बच्चों को खाना खिलाना, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हरी सब्जियों को मतलब बनाया जाए ताकि बच्चों तक सही न्यूट्रिशन पहुंच सके। अगर न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हो, किस चीज़ का कंपोजिशन है न्यूट्रिशन? सर जो शरीर के लिए आवश्यक एंजाइम्स, विटामिन्स, प्रोटीन है, इन्हीं की मतलब कि जो पहुँच है शरीर तक विकसित, उसे ही न्यूट्रिशन बोलते हैं, उसे ही पोषण बोलते हैं सर। खाने के अंदर जो है ऐसा माना जाता है कि जो इंडियन खाना है प्रोटीन डिफिशियंट है, कार्बोहाइड्रेट सरप्लस है, फैट सरप्लस है। तो अगर आप प्रोटीन जो डिफिशियंसी है इसका रीज़न क्या है और इसे बढ़ाना हो तो क्या सुझाव देंगे आप, क्या उपाय लगाएंगे? सर अगर न्यूट्रिशन बढ़ाना हो स्पेशली खाने के अंदर, तो सर अगर इसमें चयन की प्राथमिकता ये कि कोई शाकाहारी होता है, कोई मांसाहारी होता है, अगर हम नॉनवेज फूड खाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में हमें न्यूट्रिशन प्राप्त हो, जैसे सी फूड हो गया, उसके बाद जो एग्स हो गए। अगर हम वेजिटेरियन, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है दीपक, आपका जो मिल्क है 1 लीटर मिल्क में 35 ग्राम प्रोटीन होता है 1 लीटर मिल्क में, और आप उसी अगर चिकन की बात करें तो अगर आप जो है 200 ग्राम चिकन खाते हैं तब भी आपको 35 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एनी जो चिकन है या नॉन वेजिटेरियन चीज़ें हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन न्यूट्रिशन है और वेजिटेरियन सोर्सेज में नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। सर मैं अभी यही बोलने वाला था मिल्क को लेकर सर, बट आपने बोल दिया, थैंक यू सर। अच्छा सर, दीपक आप भभुआ से आते हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में आपके ज़िले की स्थिति कैसी है? सर कंपैरेटिवली बिहार के अन्य जिलों के मामले में मेरे ज़िले की शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति लगभग बेहतर है। सर इसके पीछे एक कारण यह है कि मेरे ज़िले की नगर पालिका को पूरे बिहार की दूसरी सबसे स्वच्छ नगर पालिका घोषित किया गया है, तो स्वास्थ्य की मतलब जो गुणवत्ता है वो अपेक्षाकृत अन्य जिलों के मुकाबले बेहतर है सर। अच्छा, आपकी अपने ज़िले की 3 समस्याएँ बताइए। सर एक समस्या है ट्रांसपोर्टेशन और डेवलपमेंट की सर, ये सुदूरवर्ती जो सीमावर्ती ज़िले हैं उनके अंतर्गत जो विकास कार्य हैं वो कम हुए हैं। दूसरी समस्या सर अवैध तस्करी की है, क्योंकि बिहार में शराबबंदी और मेरा ज़िला सीमावर्ती ज़िला उत्तर प्रदेश और झारखंड को मिला के, तो वहाँ पे तस्करी के। और तीसरा सर रेड कॉरिडोर है, मेरा ज़िला रेड कॉरिडोर से संलग्न होता है, तो एक नक्सलवाद की भी समस्या है, लेकिन धीरे धीरे वो एक नाम मात्र में रह गई है, अब उतने बड़े मतलब कि ज़्यादातर घटनाएं अब नहीं होती जो पिछले 10 साल पहले हुआ करती थी। अच्छा, बिहार में जो नक्सलवाद के कारण हैं और देश के दूसरे हिस्सों में जो नक्सलवाद की वजह है, दोनों में अंतर है या समान वजह है? सर एक आधारभूत अंतर है सर, जो बिहार में नक्सलवाद का कारण है मुख्यतः जातिगत है सर, सामाजिक संरचना है इसके पीछे, और अन्य जगहों पर जो नक्सलवाद है वो विकासात्मक वंचना के कारण हुआ है सर। केवल जातिवाद की वजह से बिहार का नक्सलवाद है?
दोनों कारण हैं, लेकिन एक प्रमुख अंतर सर ये है कि जातिवाद जैसे फैक्टर भी बीच में आ जाते हैं, सवर्ण और दलित का जो फैक्टर है वो बीच में आ जाता है सर, तो इस वजह से बिहार के जो जिले हैं उनमें नक्सलवाद ज़्यादा है। बिहार में ये कुछ सेना होना कुछ ऐसे गठित है, यस, कौन कौन सी है सर? अभी तो खैर एक्टिव मोड में नहीं, वो मतलब कि पहले थी, पहले सवर्ण के लिए एक रणवीर सेना थी और जो छोटे जाति के थे उनके लिए सर वो नक्सलिज्म था। इसके पीछे जातिवाद है या भूमि पे कब्जे की कोई वजह है या भूमि को अधिकार को लेकर लड़ाई है? सर जाहिर सी बात है, अगर जिसके पास भूमि ज़्यादा होगी और जिसके पास कम होगी तो जो जिसके पास कम है उसके अंदर एक असंतोष होगा, और दूसरी बात यह है कि जिसके पास भूमि कम है वो खुद एक नीची जाति से आता है, तो जातिगत और जो भूमि संबंधित आक्षेप हैं वो दोनों एक साथ आ जाते हैं सर। अच्छा, इतिहास आपका विषय है जी सर, इतिहास का कौन सा खंड आपको सर्वाधिक पसंद है या फेवरेट है आपका? सर वैसे मुझे सभी खंड पढ़ने में रुचि है, लेकिन प्राचीन भारतीय इतिहास मुझे ज़्यादा रोचक लगता है। प्राचीन भारत में कौन सा कालखंड खास तौर पर? सर मगध साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। सर गुप्त साम्राज्य को ही अगर हम ले लें, ये कैसा टॉपिक है जिस पे आप बार बार विजिट करें और आपको इंटरेस्टिंग और अच्छा लगता है, क्या वजह है? इस कालखंड में ऐसी क्या खास बात है? सर इस कालखंड में सबसे प्रमुख खास बात है कि जो सांस्कृतिक संपन्नता है जो प्राचीन भारत में दिखाई देती है वो मुख्यतः इस काल में नजर आती है सर। सांस्कृतिक संपन्नता, यस। हम लोग तो पूरा स्वर्ण युग जानते हैं गुप्त काल को, क्या सिर्फ इसकी वजह से, सांस्कृतिक संपन्नता की वजह से? सर अन्य भी तथ्य हैं, गुप्त काल को अगर स्वर्ण काल मानते हैं तो एक हिस्ट्री राइटिंग भी एक बीच में कॉन्सेप्ट आता है सर, जो नेशनलिस्ट हिस्ट्री राइटिंग है वो इसको राष्ट्र स्वर्ण युग मानता है सर। लेकिन अगर स्वर्ण युग अगर हम कहें, इसमें ऐसा कहा गया है कि एक भारतीयों ने विदेशियों को पराजित किया, लेकिन जो हिंदुस्तान नाम का कॉन्सेप्ट राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में लाया जाता है, तो सबसे पहली बात कि सर गुप्त शासन काल में एक हिंदुस्तान नाम का कॉन्सेप्ट था नहीं, ये अरबियों के द्वारा दिया गया है। और दूसरा सर जहाँ तक सामाजिक सामाजिक संरचना की बात है तो गुप्त काल में सर अस्पृश्यता भी ज़्यादा थी, चंडाल नाम का एक वर्ग था, तो इस आधार पर तो वो स्वर्ण काल नहीं है। लेकिन अगर हम सांस्कृतिक संपन्नता की बात करें, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्न हो गए या चंद्रगुप्त का वीणावादन हो गया, इसके आधार पर सर सांस्कृतिक आधार पर हम इसे स्वर्ण काल कह सकते हैं। अगर सांस्कृतिक आधार माइनस कर दें तब किसे आप स्वर्ण काल कहेंगे? सर अगर सांस्कृतिक किसी भी जो कालखंड होता है उसके बहुआयामी दृष्टिकोण होते हैं, आर्थिक संपन्नता होती है, सामाजिक जो संरचना होती है उसके आधार पर भी हम स्वर्ण काल की अवधारणा को सर कोई मेरे व्यक्तिगत मत के अनुसार। अच्छा, ऐसा कहते हैं कि भारत की जो पराभव रहा खासकर इस्लामिक जो आक्रमण हुए उसके पीछे कहीं ना कहीं भारत की अशोक के बाद या मौर्य साम्राज्य के भी डिक्लाइन की वजह उसकी अहिंसावादी नीति रही अशोक की, क्या ये वजह थी कि हमने अशोक की जो धम्म की जो नीति है उसको अपनाया और उसके बाद मौर्य साम्राज्य भी विखंडन हो गया और आगे भी इसके इफेक्ट रहे? सर मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि अशोक की जो धम्म नीति है वो एक सृजनात्मक नीति थी, सभी को एक साथ लेकर चलने वाली नीति थी, उसने स्वयं अहिंसा की नीति अपनाई थी, लेकिन जो बाद के शासक थे वो इस नीति का सही तरीके से सृजन नहीं कर पाए। अशोक ने धम्म नीति से ये नहीं कहा कि मैं हिंसा छोड़ दूंगा, उसने अपने स्तंभ लेख में आटविकों को भी चेतावनी दी है कि वो अगर बौद्ध स्तूप के समीप अगर कोई गलत कृत्य करते हैं तो मैं उन पर आक्रमण भी करूंगा। तो धम्म नीति का मतलब पूर्णतः अहिंसावादी होना नहीं है सर। दीपक, यस, अगर आपको इतिहास के पुनर्लेखन का मौका मिले जी तो इतिहास में से किस घटना को हटाना चाहेंगे, जरा बताइए। सर वैसे इतिहास के सभी पक्ष संतुलित हैं, लेकिन अगर मुझे इतिहास लेखन का मौका मिलता है तो मैं भारत के विभाजन को हटाना चाहूँगा सर, उसे बदलना चाहूँगा। क्या इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए सर। क्यों होना चाहिए? सर अगर नए तथ्य मिलते हैं, तथ्यों के प्रमाण मिलते हैं और प्रमाण वास्तविक हैं तो इतिहास का लेखन सर नए तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। ठीक है, इतिहास के विभाजन की भी बात हो रहे थे तो इतिहास की जनरली आप बता रहे थे तीन कालखंड हैं, तो विभाजन किसने किया था? सर विभाजन किसी स्पेशल किसी ने किया नहीं था, बस ये पढ़ने की सुविधा के आधार पर विभाजन किसी ने किया नहीं है सर। इतिहास जो कालीन तीन कालखंड का कोई विभाजन किसी ने नहीं किया, अपने से हो गया? किया है सर। किसने किया? जो अलग अलग विचारधारा के लेखक हैं उन्होंने अपने पढ़ने और लिखने के नहीं, किसी ने पर्टिकुलर किया हो? एक अंग्रेज जो लेखक थे उनके एक कॉन्सेप्ट में आता है कि उन्होंने हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल में विभाजन किया है,
जो मार्क्सिस्ट राइटर हैं उन्होंने, तो ये कालखंड का विभाजन उन्होंने जो भी किया था वो सही है कि गलत है? ब्रिटिश लेखकों ने मुख्यतः ये बताने का प्रयास किया कि जो भारत की संस्कृति है, जो सामाजिक संस्कृति रही है, वो कभी थी ही नहीं, वो अलग अलग काल में अलग अलग धर्म का प्रतिनिधित्व करती है, मुख्यतः वो उनका औपनिवेशिक चरित्र जाहिर होता है सर। चलिए आपने धर्म की बात की, तो वेदांत में और इस्लाम में क्या समानता है और क्या अंतर है? एंशियंट हिस्ट्री आपका, प्राचीन भारत आपका रुचिपूर्ण विषय है, तो क्या अंतर दिखाई देता है इस वेदांत में और इस्लाम में? सर जहाँ तक वेदांत की बात है तो वेदांत सर नैतिक संकल्पों पर आधारित जीवन जीने की शिक्षा देता है, और इस्लाम में भी सर यही कहा गया है कि हम अपने नैतिक मूल्य पर जीवन जिए, सर दोनों में एक समानता है। और अंतर कुछ? अंतर अगर ये और कुछ अंतर समानता भी और भी है सर, सर मैं वीडियो कॉल नहीं कर पा रहा। वेदांत किसकी बात करता है? वेदांत सर मनुष्य के जो मौलिक चिंतन है, ईश्वर धर्म के समान सर। सर मैं 2 मिनट का समय चाहूँगा सर। सर जो वेदांत है, मुख्यतः उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है सर, जिसमें उनके जो भारत के जो धर्म और दर्शन है, जो नैतिकता आधारित है, जो मानवीय मूल्य हैं, उनकी बात करता है सर, कर्मकांड की बात नहीं करता, जो मनुष्य और ईश्वर के बीच कोई भी जो माध्यम है वो नहीं है सर, इसकी बात करता है। आपका अपने लिट्टी चोखा की बात की थी, yes। मान लीजिए उपला ना मिले और लिट्टी बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? सर पानी में उबाल देंगे और तेल में फ्राई कर देंगे। पानी में उबाल देंगे और तेल में? पानी में उबालने के बाद जो लिट्टी का जो मटेरियल होता है, जो गोल बना के रखते हैं, उसको पानी में उबाल देंगे, उसके बाद उसको सूखने के बाद उसको सर हल्के से तेल में फ्राई कर देंगे सर। बिहार में आपने कहा कि मेरा जो क्षेत्र रेड कॉरिडोर में आता है, और सपोज दैट कैमूर में ही आपकी पोस्टिंग हो और नक्सली आपको किडनैप करके ले जाएं, तो इसके बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? सर अगर वो कुछ डिमांड करते हैं तो मैं वार्ता जारी रखूंगा, संवाद करने की कोशिश करूंगा सर। हाँ उनकी मांग है कि उनको 50-47 दी जाएं, तो क्या होगा, संवाद करेंगे? सर प्राथमिक दृष्टिकोण से तो मैं सहमत नहीं होऊंगा सर, लेकिन अगर सुरक्षा और मुझे अपने स्वयं के मतलब कि जान के बीच में किसी को चुनना हो तो मैं सुरक्षा का चयन करूंगा सर। चलिए, बिहार के बारे में कहा जाता है कि बिहार में बाढ़, बालू और बलवा बचा है, तो इस कथन के रेस्पेक्ट में आपको बिहारी होने का गौरव महसूस होता है कि शर्मिंदगी महसूस होती है? सर किसी भी व्यक्ति को अपनी मातृभूमि के प्रति लगाव होता है, तो जाहिर सी बात है मुझे बिहार होने पर। लेकिन बिहार में हमने कहा ना बाल, बढ़वा और बालू, ये तीन ही चीज़ बची है, तो इसमें कौन से गौरव की बात है? सर जो स्थानीय जो परिप्रेक्ष्य है उसके आधार पर तो कोई भी व्यक्ति अपने प्रदेश को लेकर गौरवान्वित महसूस करेगा सर। नहीं तो किस बेस पर आप गौरवान्वित महसूस करेंगे? शिक्षा की हालत देख रहे हैं, रोड की हालत देख रहे हैं, रोजगार के नाम पर किडनैपिंग बची हुई है, तो किस बात पर आपको गौरव है बिहारी होने का? सर जो प्राचीन संदर्भ रहा है बिहार का उसके आधार पर। प्राचीन संदर्भ, आधुनिक कुछ नहीं है? आधुनिक भी है सर, जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन रहा है, फिर स्वतंत्र स्वाधीनता संग्राम में हमारा योगदान रहा है, तो इसके आधार पर सर। चलिए आप मान लीजिए आप IPS बन गए, ठीक है ना, और IPS बनने के बाद से कहीं आपको नक्सलवाद की ट्रेनिंग के लिए, नक्सलवाद के फील्ड में या नक्सली फील्ड में काम करने के लिए भेजा गया, तो आपने कहा कि नहीं भाई हमें अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हम नक्सलवादियों से लड़ने नहीं जाएंगे, हमें अपनी जान की सुरक्षा करनी है, तो आपने अगर ये डिमांड की, ठीक है, तो सरकार आपके ऊपर कार्रवाई करे कि ना करे? सर अगर ऐसा डिमांड होता है तो सेवा और स्वतंत्रता दोनों में से समन्वय तो बनाना ही पड़ेगा सर, लेकिन जहाँ तक सेवा की बात है, अगर हमें इतनी प्रेस्टीजियस सर्विस का मौका मिल रहा है तो इससे परे आपका मूल अधिकार भी तो है सर, सरकार आपके मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती है। सर मेरे मूल अधिकार का हनन होने के बाद अगर किसी अन्य के जीवन के अधिकार की सुरक्षा हो रही है, तो एक व्यक्ति के मूल अधिकार के मामले में समाज का मूल अधिकार बड़ा हो जाता है सर। नहीं, हर व्यक्ति किसी के मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हो सकता है, हर व्यक्ति को मूल अधिकार मिला हुआ है, इसके लिए कोई और संवैधानिक प्रावधान है क्या? सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर। चलिए लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, ब्रेक्जिट का जो ब्रेग्जिट अभी हुआ है, इसका भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर ब्रेग्जिट जो हुआ है उसका भारतीय का दृष्टिकोण देखा जाए तो भारतीयों को जॉब ज़्यादा मिलेंगे यूरोप में, भारतीय दूतावासों की स्थापना करनी पड़ेगी, भारतीय कंपनियों को हर एक देश में ऑफिस खोलना पड़ेगा, तो इससे एक व्यापार बढ़ सकता है सर। एक नहीं, अभी ब्रेग्जिट के बाद
ब्रेक्जिट के पहले क्या फिर था? ब्रेक्जिट के पहले था कि एक किसी भी कंपनी को यूरोपीय यूनियन के नाम पे अगर हम ऑफिस खोल देते हैं तो ज़्यादातर स्थापना नहीं करनी पड़ रही थी, अवसंरचना का ज़्यादा विकास नहीं करना पड़ रहा था, एक ही ऑफिस से हम सारा काम डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे थे। हाँ, तो ब्रेक्जिट में हुआ क्या फिर? सर, ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हो गया सर। चलिए, थैंक यू। दीपक, लास्ट क्वेश्चन, ये जो कोरोना वायरस चाइना में फैला है तो डू यू सी इट एज ए थ्रेट फॉर इंडिया और एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया? सर, अगर किसी चुनौती को देखा जाए तो भारत की जो स्वास्थ्य संरचना है अभी उतनी अच्छी नहीं है कि हम इतने बड़े, जो जमीनी हकीकत है, वास्तविकता यह है कि हम इतने बड़े महामारी का सामना कर पाए। हमारे अस्पतालों की इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, डॉक्टर्स पर रेशियो जो पॉपुलेशन है वो सही नहीं है। तो एक चुनौती है कि अगर ऐसी बीमारी भारत में आ जाती है तो हम मुश्किल से उसका सामना कर पाएंगे। और अगर संभावना देखा जाए, अगर लाभ देखा जाए, तो एक ये है कि सर, जो व्यापार है भारत का वो चीन के मुकाबले बढ़ सकता है, क्योंकि जो चीनी वस्तुएं हैं, जो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स हैं, उनकी डिमांड धीरे धीरे घट रही है, क्योंकि ऐसा आशंका जताया जा रहा है कि कोरोना वायरस के प्रभाव में चीन की वस्तुएं भी आ गई हैं। तो एक भारत का सर जो व्यापार क्षेत्र है वो बढ़ सकता है सर। बट भारत का व्यापार क्षेत्र तो वहाँ से जो इम्पोर्टेड मटेरियल्स आते थे, रॉ मटेरियल, वो बहुत एडवर्सली अफेक्टेड है। इट्स अदर वे राउंड कि भारत का व्यापार भी थ्रेटेंड है बिकॉज कोई माल नहीं आ रहा वहाँ से। तो सर, वहाँ के माल नहीं आ रहे तो हमारे जो स्थानीय प्रोडक्ट हैं वो तो बिक सकते हैं, तो इससे जो घरेलू स्तर पर जो उद्योग हैं उनको लाभ हो सकता है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।